एक ब्राह्मण था, वह घरों में जाकर पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। वह ब्राह्मण राजमहल का बुलावा पाकर खुशी खुशी पूजा करने गया। पूजा संपन्न कराकर जब ब्राह्मण घर को आने लगा, तब राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल किया। हे ब्राह्मण देव, आप भगवान की पूजा करते हैं, तो यह बताएं कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नजर किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। राजा के प्रश्न सुन ब्राह्मण अचंभित हो गया और कुछ समय विचार करने के बाद राजा से कहा, हे राजन, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को एक माह का समय दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन इसी सोच में उलझा रहता कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और कुछ ही दिन शेष रह गए। समय बीतने के साथ ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लगी और जवाब नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को चिंतित देख ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा कुछ दिनों पहले मैं पूजा कराने राजमहल गया हुआ था। पूजा संपन्न कराकर जब मैं वापस आ रहा था, तब राजा ने मुझसे एक सवाल पूछा था। राजा ने कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नजर किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा, तो मैंने उनसे कुछ समय मांगा था, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे एक माह का समय दिया था और वह एक माह बीतने वाला है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उनका पुत्र बोला, पिताजी इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। एक माह पूरा हुआ, तब ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजमहल गया और राजा से कहा, हे राजन, आपके सवाल का जवाब मेरा पुत्र देगा। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल पूछा, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नजर किस ओर है तथा भगवान क्या कर सकते हैं। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता। यह सुन राजा को थोड़ा लज्जित महसूस हुआ। पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया गया, फिर पीने हेतु दूध का गिलास लाया गया। वह बालक दूध का गिलास पकड़कर दूध में अंगुली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। यह देख राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो। बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूं कि दूध में मक्खन कहां है, आपके राज्य के दूध से तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान किस ओर देखते हैं। उस बालक ने कहा, राजन इसका जवाब मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगाई और उस बालक को दिया। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन आप बताएं इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी चारों दिशा में एक समान है। तब उस बालक ने कहा, हे राजन यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा सर्वदृष्टा है और उनकी नजर सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। राजा उस बालक के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब तो वे अंतिम प्रश्न के उत्तर के लिए और भी उत्सुक हो उठे। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। बालक ने कहा, हे राजन मैं इस सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह पर और आपको मेरी जगह पर आना होगा। राजा को तो उत्तर जानने की उत्सुकता थी, तो अपनी सहमति दे दिए। वह बालक राजा के सिंहासन पर जा बैठा और कहा, राजन आपके अंतिम सवाल का जवाब यह है, आपने कहा था कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान यह कर सकते कि मुझ जैसे रंग को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। यह आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा उस ब्राह्मण पुत्र के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए
और उसे अपना सलाहकार बना लिया। भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकें जो आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं।